हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले वो है फिजिकल मेथड्स इन्वॉल्व इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू वो वाटर को बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर सके। तो हम बेसिकली इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले आज, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट वन है इंबिबिशन, सेकंड वन इज डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। ऑल दिस टॉपिक इंबिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर सिलेबस। मैं आपको सबसे पहले इन तीनों का एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूं, फिर इसके बाद हम डिटेल में इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंबिबिशन? इंबिबिशन इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन ऑफ अ वॉटर। इंबिबिशन इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लांट सच एज अ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। बारिश के सीजन में जनरली देखिए, बारिश के सीजन में जब हमारे घर के आसपास मॉइस्चर होता है, पानी के ड्रॉप्स होते हैं, तो हमारे घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को सिंपली हम कहते हैं इंबिबिशन। डिटेल में हम देखेंगे बाद में। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, गैसेस, आयन्स, एटम, मॉलिक्यूल, एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर रीजन टू दैट ऑफ लोअर रीजन, टिल इट बिकम्स इक्वल इन बोथ द साइड थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट, सॉल्यूट, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, गैसेस सभी का मूवमेंट होता है, डिस्पर्स होता है, मूवमेंट होता है। कहां से? हायर रीजन से लोअर रीजन तक। जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं होता तब तक मूवमेंट होते रहता है, जैसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ऑस्मोसिस उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। कीप इट इन माइंड, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर रीजन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर रीजन और हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का मतलब वॉटर का ही मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर रीजन टू दैट ऑफ हायर रीजन। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इंबिबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंबिबिशन। ये बारिश के सीजन में होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो आइए देखते हैं इंबिबिशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, आई वुड लाइक टू गिव यू बेसिक डेफिनेशन अबाउट इंबिबिशन, दैट इंबिबिशन is absorption of water by hydrophilic substance present in plant, it is called imbibition. इसे हम कहते हैं imbibition. अब हम basically देख लेते हैं hydrophilic substance का मतलब क्या होता है. Hydrophilic substance means water loving substance. Example, cellulose, पैक्टिन एंड लिग्निन। देखिए क्या डेफिनेशन है इंबिबिशन का, मतलब क्या होता है। इंबिबिशन इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। ये बात है तीनों के तीनों हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। इंबिबिशन इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। वॉटर लविंग सब्सटेंस का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। अब आप ये वर्ड को ब्रेक करो, हाइड्रो मीन्स वॉटर एंड फिलिक मीन्स
loving means attracting. Actually दो चीजें होती है, one is a hydrophilic and one is a hydrophobic. Hydrophobic means which goes away from the water, and hydrophilic means which is attracted towards the water. मतलब जो पानी की तरफ खिंचा हुआ आता है इसे हम कहते हैं hydrophilic, और जो पानी से दूर चला जाता है इसे हम कहते हैं hydrophobic. तो cellulose, pectin और lignin ये तीनों की तीनों क्या है, ये वॉटर लविंग है मतलब हाइड्रोफिलिंग है, ये पानी को अपने तरफ खींच लेते हैं. अब आप ये गेसिंग करो, ये नॉर्मल प्लांट है ठीक है, अब ये नॉर्मल प्लांट है तो प्लांट के स्टेम के अंदर कौन से सब्सटेंस होंगे, स्टेम के अंदर होंगे सेल्यूलोस, पैक्टिन और लिग्निन, ये वाले सब्सटेंस होते हैं प्लांट के सेल वॉल के, प्लांट के स्टेम के अंदर. और मान लो बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में एटमॉस्फेयर में काफी सारा पानी है या तो मॉइस्चर, यस आइदर देयर इज अ वाटर इन एटमॉस्फेयर आइदर देयर इज अ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, यस या तो एटमॉस्फेयर में पानी है या तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर फॉर्म है. तो बेसिकली पानी हो या वाटर, पानी हो या मॉइस्चर हो, दोनों को बेसिकली कौन एब्सॉर्ब करते हैं, सेल्यूलोस एब्सॉर्ब करते हैं, पैक्टिन एब्सॉर्ब करते हैं, लिग्निन एब्सॉर्ब करते हैं. और ये तीनों चीजें स्टेम में होने के कारण पानी बेसिकली स्टेम के अंदर आ जाता है, और स्टेम क्या हो जाती है, क्या हो जाती है स्टेम, स्टेम हो जाती है स्वेलिंग, स्टेम है ना बेसिकली फूक जाती है, स्वेलो हो जाएगी. मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं बारिश के सीजन में. इन अ रेनी वॉटर बेसिकली द डोर एंड विंडो ऑफ आवर हाउस विच आर मेड बाई द प्योर वुड दे बेसिकली अंडरगो स्वेलिंग, यस. बारिश के सीजन में जो प्रॉपरली हमारे घर की खिड़कियां दरवाजे जो लकड़े के बने हुए होते हैं वो एकदम फूक जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, और प्रॉपरली कुंडी जैसे स्टेपल कहते हैं वो स्टेपल भी नहीं लगती. वो क्यों नहीं लगती, उसके पीछे का रीजन देखिए, वुड किससे बना हुआ है, सेल्यूलोस, किससे बना हुआ है, सेल्यूलोस, पैक्टिन और लिग्निन, इन चीजों से बना हुआ है. और बारिश के सीजन में बारिश वाले बाहर क्यों ना पड़ती हो लेकिन एटमॉस्फेयर में घर में भी मॉइस्चर जैसा माहौल हो जाता है, तो वो मॉइस्चर बेसिकली उस मॉइस्चर को कौन एब्जॉर्ब करता है, सेल्यूलोस, पैक्टिन और लिग्निन. ये तीनों के तीनों सब्सटेंस प्लांट के स्टेम के अंदर भी होते हैं, और हमारे के घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे होते हैं उन वुड में भी होते हैं, उस लकड़े के अंदर भी होते हैं, और ये तीनों की तीनों चीजें पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण वुड जो होता है वो स्वेलो हो जाता है, फिर वो प्लांट का ओरिजिनल लिविंग वुड हो या तो फिर प्लांट के लकड़े में से हमने जो घर के दरवाजे खिड़कियां दरवाजे बनाई होती है वो कोई भी हो, वुड बेसिकली बारिश के सीजन में एब्जॉर्ब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप की तरफ पानी को खींच लेता है, और इसके कारण वो वुड है ना स्वेलो हो जाता है और प्रॉपरली दरवाजा बंद नहीं होता. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिशन. तो क्या होता है इम्बिबिशन, फिर से एक बार सुन लीजिए, इम्बिबिशन इज नथिंग बट एड्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय वॉटर लविंग सब्सटेंस बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्टेम और प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. जनरली प्लांट के अंदर पानी को एड्सॉर्ब करने वाले या तो आप कहो पानी को एब्सॉर्ब करने वाले, पानी को अपने तरफ खींचने वाले कुछ सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिन्हें हम सेल्यूलोस, पेक्टिन और लिग्निन के नाम से जानते हैं. ये सब्सटेंस बेसिकली पानी को अपने तरफ खींच लेते हैं और पानी वुड के अंदर आ जाता है. वुड के अंदर आने के बाद वुड बेसिकली स्वेलो हो जाता है, फूक जाता है, और स्वेलो होने के कारण वो प्रॉपरली कुंडी वगैरह नहीं लगती, स्टेपल नहीं लगती. इम्बिबिशन इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर और एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाई दी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी वुड. इन द रेनी सीजन दिस सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब द वॉटर इन साइड, अट्रैक्ट द वॉटर टूवर्ड्स द स्टेम एंड वॉटर एंटर इन साइड द स्टेम एंड स्टेम अंडरगो स्वेलिंग. अब हम ये दो चीजें इंपॉर्टेंट दो चीजें उन दो चीजों की तरफ ध्यान दीजिए. What is meant by imbibent and imbibe? अभी imbibent और imbibe इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the main difference between imbibent and imbibe? So I'll tell you, the wood which absorbs the water and undergoes swelling. Then this wood is known as a imbibent, and the substance which causes imbibent substance which causes wood to get swallow
इट इज कॉल्ड इम्बीबाइब. तो सिंपली हम वाटर को क्या कहेंगे, वाटर को हम कहेंगे इम्बीबाइब. और बेसिकली वाटर के कारण जो चीज स्वेलिंग हो जाती है, जो लकड़ा स्वेलो हो जाता है, उसे हम कहेंगे इम्बीबाइब. तो ये वाली कंसेप्ट थी इम्बीबिशन. एकदम काफी छोटी सी कंसेप्ट है, लेकिन प्लांट में वाटर एब्सॉर्प्शन में इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट. सो I'll begin with a definition. What is diffusion? It is movement of solvent solute gases ions, atoms or molecules from higher concentration to lower concentration till it becomes equal at both sides through selective permeable membrane. तो ये देखिए, ये है डेफिनेशन डिफ्यूजन की. डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है. तो क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड, मतलब पानी, सॉल्यूट मतलब पानी के अंदर जो भी मिला हुआ है वो. ठीक है, सो डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इवन दो गैसेस एंड आयंस एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल. जब तक दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी नहीं हो जाती तब तक डिफ्यूजन होते रहता है. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट आयंस एटम्स मॉलिक्यूल एंड गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल एट बोथ द साइड. जब तक दोनों साइड समान नहीं होता है, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक डिफ्यूजन होते रहता है. और डिफ्यूजन में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये कैसा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्ट करता है चीजों को कि कौन सी चीज मूवमेंट करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. यस, जस्ट इमेजिन दैट आई हैव वन क्लोज जार सिस्टम. मेरे पास एक जार है जिसमें दो कंपार्टमेंट है और दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक क्लोज्ड जार असेंबली है और असेंबली में ये दो कंपार्टमेंट है और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ये वाला मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. अब हम देखते हैं ये साइड जो क्वांटिटी है वो है बेसिकली 75% और ये साइड जो क्वांटिटी है 25%. अब इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट गैसेस आयन मॉलिक्यूल एटम ये सब चीजें हैं. ठीक है, तो होता क्या है, देखिए 75 में से मूवमेंट होगी, किसकी मूवमेंट होगी, इन सभी चीजों की मूवमेंट होगी. और मूवमेंट कब तक होगी,
जब तक इस साइड 50% और इस साइड 50% ना हो, मतलब ये 75 में से 25 इस तरफ चला जाएगा और ये साइड भी 50% रहेगा और ये साइड भी 50% रहेगा। जब तक ये दोनों साइड इक्वल नहीं होते तब तक गैसेस, आयन, एटम, सॉल्वेंट, सॉलिड, ये सभी की सभी चीजें मूवमेंट करती जाएगी हायर टू लोअर की तरफ। फिर से एक बार सुन लीजिए, वी हैव वन क्लोज्ड जार असेंबली इन विच देर आर टू कंपार्टमेंट। इन वन कंपार्टमेंट देर इज अ 25% कॉन्सेंट्रेशन एंड अनदर कंपार्टमेंट देर इज अ 75% कॉन्सेंट्रेशन। सो द क्वांटिटी विच इज एट द 75% कॉन्सेंट्रेशन इज हायर। So, out of 75%, 25% will move towards 25%. Means, out of this 75%, 25% will move towards this side, which is already 25%. So, this 25 plus this 25 will become a 50. And this side also 50, this side also 50. So, both the side, it will be the equal quantity, 50-50. And what kind of a movement takes place? Movement takes place in diffusion. R, solvent, solute, gases, ion, atom, molecule, etc., etc. Now, one question I would like to ask you: how many types of movement takes place during diffusion? ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के टाइम पे कितने प्रकार की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कितने प्रकार की मूवमेंट दिखाते हैं। अवर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज डिफ्यूजन एंड ड्यूरिंग डिफ्यूजन हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज यूनिपोर्ट, सेकंड वन इज सिंपोर्ट एंड थर्ड वन इज एंटीपोर्ट। तो अभी आप ये देखिए, पोर्ट का मतलब होता है, पोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, पोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट इन द सेंस आप ऐसा कंसिडर करो, पोर्ट का मतलब होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, यूनि मीन्स सिंगल, पोर्ट मतलब डायरेक्शन, यूनिपोर्ट मतलब सिंगल डायरेक्शन, सिंपोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन, एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको अब समझाता हूं। अब आप देखिए यहां पे 50 यहां पे देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ये साइड 25% और ये साइड 75% कॉन्सेंट्रेशन था। तो अगर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कौन से डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसे क्या कहेंगे हम, यूनिपोर्ट मूवमेंट। ठीक है, और अगर कुछ मॉलिक्यूल, मान लो एक मॉलिक्यूल है वो आगे की तरफ ही जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिपोर्ट। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल हैं और वो साथ में जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपोर्ट। मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन सिंगल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट, सिंगल मॉलिक्यूल मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। सिंपोर्ट, टू मॉलिक्यूल मूव्स एट द सेम टाइम इन अ सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड सिंपोर्ट। व्हाट इज एंटीपोर्ट, तो आप देखिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ये छोटे वाले मॉलिक्यूल हैं और एक ये बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं। तो क्या होगा, ये जब दोनों आगे की तरफ जाएंगे तो छोटे मॉलिक्यूल जो है उनको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्शन के लिए परमिशन दे देगा और वो छोटे मॉलिक्यूल आगे की तरफ चले जाएंगे, और ये जो बड़े मॉलिक्यूल है वो यहां पर टकराने के बाद वो फिर से रिटर्न आ जाएंगे। तो क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल ऐसे आगे आएंगे, छोटे वाले मॉलिक्यूल इस तरफ चले जाएंगे और बड़े वाले मॉलिक्यूल उसके अपोजिट चले जाएंगे। तो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपोजिट में जाते हैं तब हम उनको कहते हैं एंटीपोड, जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में साथ में जाते हैं तब हम उनको कहते हैं सिंपोड, और जब एक मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाता है तब हम उसे कहते हैं यूनिपोड। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस
by the molecule during diffusion. Unipod, movement of a single molecule in single direction. Simpod, movement of a two molecule in same direction, parallel direction, and movement of a two molecule in opposite pole, in opposite direction. It is called antipod. तो ये वाले हो गए movement के type. अब हम एक चीज, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं. डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है, देखिए. डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये तीन चीजें क्या है. अब आप पहले क्लियरली समझ लीजिए व्हाट इज एक्चुअली डिफ्यूजन प्रेशर. पहले आप डिफ्यूजन प्रेशर समझ लीजिए, ठीक है. पानी का जो फ्लो होता है ना, स्पीड, पानी का जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं. मेरे पास दो ग्लास है, ठीक है. एक ग्लास में सिर्फ पानी है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, लेकिन दूसरे ग्लास में सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है मतलब उसमें सॉल्वेंट भी है पानी, और दूसरा सॉल्यूट भी है, मतलब उसमें घुलने वाली चीज. I have two glass. In a one glass there is only water, means solvent. But in another glass there is a water plus some other material like a sodium chloride, NaCl. So water acts as a solvent and NaCl acts as a solute. So in first glass there is only water. In second glass there is a water plus solute. So now if I flow this water, the speed of this water will be very faster. But if I flow this one, the speed of this solution will be slower compared to this, because in a first glass there was only pure water, and pure water have a diffusion pressure very high. But when you are adding some solute in water, its diffusion pressure becomes low. So what is diffusion pressure deficit? Difference between pure water and solution is called diffusion pressure deficit. Kya hota hai diffusion pressure deficit? Diffusion pressure deficit can be defined as, It is nothing but the difference between diffusion pressure of a pure water and diffusion pressure of a solution. It is called diffusion pressure deficit. मतलब आप एक साइड पानी को फ्लो करते हो और एक साइड सोल्यूशन को फ्लो करते हो, तो पानी स्पीड में फ्लो होता है, पानी स्पीड में आगे जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो स्पीड में आगे नहीं जाएगा. तो सिंपल सा मतलब यह होता है कि डिफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल पानी का सबसे ज्यादा होता है, और सोल्यूशन का सबसे सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है. सो अगर नॉर्मल पानी को फ्लो करते हो तो वो काफी स्पीड में बहेगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को फ्लो करोगे तो स्पीड में नहीं बहेगा. तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल पानी में डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज अ डिफरेंस ऑफ अ डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन नॉर्मल वॉटर मीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ये था हमारा पॉइंट डिफ्यूजन. मैं फिर से आपको एक मिनट में पूरा समझा देता हूं. डिफ्यूजन कैन बी डिफाइन एज, इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट गैसेस आयंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल. जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तब तक डिफ्यूजन होते रहता है. इन सभी मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है. नाउ बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ अ मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के समय तीन प्रकार की मूवमेंट करते हैं ये मॉलिक्यूल, और वो होते हैं यूनिपॉड, सिंपॉड और एंटीपॉड. यूनिपॉड मीन्स मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन सिंगल डायरेक्शन. सिंपॉड, मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन अ सेम डायरेक्शन. एंटीपोड, मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट. मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन द नॉर्मल वाटर मीन्स प्योर वाटर एंड अनदर साइड इज सॉल्वेंट. तो प्योर वाटर सॉल्वेंट के बीच में जो गैप होता है फ्लो होने का, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट. डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज ऑल्सो नोन एज अ सक्शन प्रेशर, SP, सक्शन प्रेशर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, और आज हम बॉटनी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले, जिसका नाम है
ऑस्मोसिस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑस्मोसिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता दे रहा हूं, उसके बाद हम डिटेल में देखने वाले ऑस्मोसिस क्या होता है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane। Through semi-permeable membrane। अब आप डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ओनली वॉटर, ओनली लिक्विड, नॉन सॉल्यूड इंक्लूडेड। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नीचे की कॉन्सेंट्रेशन से लेके ऊपर, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको इस चीज को, इस डेफिनेशन को एक प्रैक्टिकल टेक्निक से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मेरे पास एक चेंबर है, आई हैव दिस वन डबल कंपार्टमेंट चेंबर इन विच देर इज अ स्पेस इज देयर। दिस स्पेस हैज वन मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल membrane, isn't it? देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, या तो आप समझ लो एक पानी की टैंक है। इस टैंक में दो कंपार्टमेंट है और दोनों कंपार्टमेंट के बीच में मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है। वो फिल्टर है सेमी परमिएबल membrane। सेमी का मतलब होता है हाफ। अब आप एक सिंपल सा लॉजिकली सोचिए, ये टेस्ट ट्यूब है अपने पास, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में पता है दो चीजों से बनता है। सॉल्यूशन में पहली जो चीज होती है वो होती है सॉल्वेंट, मतलब पानी। दूसरा होता है सॉल्यूट, मतलब जो पानी के अंदर घुलने वाली चीज होती है वो। तो समझ लो हम इसे, इसमें हम काउंट करते हैं 95% इसमें पानी है और 5 ग्राम इसमें NaCl है, ठीक है। सो 5 ग्राम NaCl इज द सॉल्यूट एंड 95% 95 ml इज द वॉटर। तो ये सॉल्यूशन कितना परसेंट हुआ? ये सॉल्यूशन हुआ सिर्फ 5%। हम बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होता है? उतना ही होता है जितना कि उसके अंदर सॉल्यूट होता है। मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम आपने चीनी डाल दी, यस, शक्कर, और 90 ml उसमें अगर पानी है, तो बेसिकली कितना परसेंटेज हुआ उसका? 10% हुआ, बिकॉज आपने सॉल्यूट 10 ग्राम ऐड किया हुआ है। वैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्यूट 5 ग्राम ऐड किया, तो बेसिकली सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 5 ग्राम। चलिए हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। सो हियर आई हैव टू कंपार्टमेंट, वन बॉक्स इन विच देर आर टू कंपार्टमेंट, एंड इन बोथ द कंपार्टमेंट आई हैव एडेड वॉटर, इन दिस ऑल्सो एंड इन दिस ऑल्सो। मैंने दोनों के अंदर वॉटर एड कर दिया, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें 70% कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें बिल्कुल 30% कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब आप डेफिनेशन देखिए और डेफिनेशन के बाद आप मुझे बताइए क्या होगा। देखिए, इट इज अ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। किसका मूवमेंट होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होगा। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाउ कैन यू से इट इज लोअर? बिकॉज हियर इज अ 30% कॉन्सेंट्रेशन, हियर इज अ 70% कॉन्सेंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है? एक रीजन से दूसरे रीजन तक सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ पानी का, सिर्फ लिक्विड का ही मूवमेंट होता है।
Osmosis is a condition in which only solvent move from one place to another place. Now how we decide which is the first place, which is the second place? First place is always lower concentration and second place is always higher concentration. First place has a lower concentration, from that some amount of a material will move towards higher concentration. Now there is a one more question front of us, how much material move, how much solvent move. अब हमने ये तो देख लिया कि बेसिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव होता है, लेकिन हमने ये अभी तक नहीं देखा हुआ है कि कितना मूव होता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, मैंने इस साइड से इस साइड ट्रांसफर कर दिया और कुछ टाइम के बाद हमें सिनेरियो ऐसा दिखता है कि ये जो 70% है वो 95% हो जाता है और ये जो 30% है ये सिर्फ 5% हो जाता है। तो आप क्या कहोगे, पहले जो 70% था वो अब 95 हो गया है और पहले जो 30% था वो कितना हो गया, अभी 5% रह गया है। तो बेसिकली जो 30 था उसमें से 25 70 की तरफ चला गया है। अभी 25 70 की तरफ क्यों चला गया, आप सोचिए, ये टेस्ट ट्यूब थी जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ था, 5% सॉल्यूशन लिया हुआ था, कौन सा, NaCl, और 5% का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम NaCl एंड 95 ml वाटर हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद क्या हो गया, 30 ml इस साइड चला गया और 70 ml इस साइड चला गया। अब ये जो 30 ml है, इस 30 ml में से 5 ग्राम NaCl है और 30 ml क्या है, सॉरी 30 ml में 5 ग्राम NaCl है और 25 ml क्या है। अब ये समझ लो, ये जो सॉल्यूशन है ना 30% इस साइड, ये 30% में 5 ग्राम NaCl, 25 ml क्या है, इसमें पानी है, तो पूरा का पूरा पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पूरा का पूरा चला गया है। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में काफी अंतर होता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ions, gases, everything from higher concentration to lower concentration through selective permeable membrane till concentration becomes equal। Diffusion में solute, solvent, ions, ये सभी के सभी higher concentration से lower concentration तक जाते हैं, किसके through, selective permeable के through। और होता क्या है, जब तक ये दोनों एक समान इक्वल नहीं हो जाते तब तक ट्रांसफर होते रहता है, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में पहले से ही हम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पहले से ही लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं तो इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन अ डिफ्यूजन देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर एंड टिल इट बिकम्स इक्वल, बट देयर इज नथिंग लाइक इन द ऑस्मोसिस, बिकॉज इन ऑस्मोसिस We are moving from lower concentration to higher concentration. That is the first task. And if we are moving from lower to higher, obviously there is no question regarding becoming equal. Because if you are moving from low to high, high will become more higher and low will become more lower. So there will be no questioning about the balancing at the equal position. So simply osmosis kya hai? Movement of a water from lower region to the higher region through semi permeable membrane. Semi का मतलब होता है solution में जो दो चीजें हैं उसमें से एक ही चीज को permission किया जाता है, और वो कौन सी चीज है, वो चीज है solvent। ठीक है, अब हम देखते हैं कि what are the type of osmosis. So I'll tell you there are two different type of osmosis and this also two type of osmosis are based on concentration level in the solution. There are basically two types of osmosis. One is endosmosis. First one is endosmosis. And
second one is exosmosis. अब आप इतना थोड़ा गेसिंग तो आपने लगा लिया होगा, एंडो का मतलब होगा अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, लेकिन इनर और आउटर, अंदर की तरफ आना बाहर की तरफ जाना, ये क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन हम देखते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अभी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, इनका मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स लो, टोनिक मीन्स सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स हाई, टोनिक मीन्स सॉल्यूशन, आइसो मीन्स इक्वल, टोनिक मीन्स सॉल्यूशन। सो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यू कैन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, हियर हाइपरटोनिक मीन्स हाई, यू कैन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यस, नाइदर लो नॉर टू हाई, इट इज अ इक्वल और सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास कितने प्रकार के सॉल्यूशन है, हमारे पास तीन प्रकार के सॉल्यूशन है। मतलब जब भी हम ऑस्मोसिस सीखते हैं तो हमें इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं ये तीनों सॉल्यूशन है क्या। मान लो पहले वाला है हाइपो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब जिसमें 10 ग्राम NaCl है और 90 ml वाटर है, तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा है हाइपरटोनिक जिसमें 60 ग्राम NaCl है और 40 ml वाटर है, तो ये होगा हाइपरटोनिक, और जिसमें 50 ml वाटर और 50 ml NaCl, ये दोनों होगी, ये हो गया आइसोटोनिक। मतलब अगर सॉल्यूट कम और पानी ज्यादा है तो हाइपोटोनिक, सॉल्यूट ज्यादा और पानी कम, मतलब सॉल्वेंट कम, तो बेसिकली ये हो गया हाइपरटोनिक, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, दीज आर द टू वैरायटी ऑफ ऑस्मोसिस बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नाउ जस्ट इमेजिन इन अ वन डिश you keep one leaf in a one dish, I'll tell you, just take a two dish, yes, आपसे पहले दो प्लेट ले लीजिए और दोनों प्लेट में एक लीफ रखिए, एक एक लीफ दोनों में, ठीक है, दोनों प्लेट में हमने एक एक लीफ रख ली। अब होता क्या है, इस लीफ में 70% कॉन्सेंट्रेशन है और उस डिश में 30% कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इस वाली लीफ में सिर्फ 30% कॉन्सेंट्रेशन है और इस वाली डिश में 70% कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट आई एम सेइंग यू, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, एंड द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस आर रियली बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन द एक्सपेरिमेंट। तो जितना सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली उसके ऊपर हम एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ये टाइप देखेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने दो प्लेट्स ली हुई है, ठीक है, पहली वाली प्लेट है जिसमें हमने लीफ का कॉन्सेंट्रेशन 70 रखा हुआ है और डिश का कॉन्सेंट्रेशन है 30% रखा हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि इसमें लीफ का कॉन्सेंट्रेशन डिश के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, तो इसके लिए ये वाला जो 30% है ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पे देखिए लीफ का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 30% है लेकिन डिश का कॉन्सेंट्रेशन लीफ से कई गुना ज्यादा है, 70% हाई है ना, तो इसके लिए इस वाले कॉन्सेंट्रेशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये वाला है हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू लीफ, हाइपरटोनिक हाई कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू लीफ। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ये दो प्रकार हैं,
we have took a two different dish. In a first dish, we have kept the leaf which is having 70% concentration, which is placed inside the 30% solution. So 30% is lower as compared to the leaf concentration, therefore it is called hypotonic solution. And in a second place, in a second plate, we have kept the leaf which is 30%. We have kept the 30% leaf inside the 70% concentration, and that's why this concentration is higher than the leaf, so it is called hypertonic concentration. अब हम देखते हैं होता क्या है. आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को याद रखिए. यस, क्या की डेफिनेशन? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट वॉज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब आप ये वाली डेफिनेशन यहां पे अप्लाई कीजिए और वहां पे भी अप्लाई कीजिए, तो क्या देखेगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर. तो अब यहां पे लोअर कहां है? डिश में है ना, तो डिश में से लीफ की तरफ जितना भी डिश में पानी है वो लीफ में चला जाएगा. अब आप सोचोगे कि लीफ में पानी कितना है? 30? नहीं, 30 पूरा का पूरा पानी नहीं होगा, पूरा का पूरा पानी नहीं होगा. उसमें क्या होगा? 5 ग्राम NaCl होगा, या तो 10 ग्राम NaCl होगा और 20 ml पानी होगा. हम ये गेस कर लेते हैं. सो सपोज ये जो 30% है इसमें 10 ग्राम है NaCl और 20 ml है इसमें वाटर. तो अब क्या होगा ऑस्मोसिस में? इसमें जितना भी पानी है वो लीफ में चला जाएगा. तो उसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 30, और ये जो 70 है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90% कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि 20 अंदर की तरफ चला जाएगा. अब आप ये सोचिए कि अगर लीफ के अंदर 20 ml पानी बढ़ा दिया जाए तो लीफ उतनी ही रहेगी साइज में? नहीं, लीफ की साइज भी बढ़ जाएगी. तो ये जो स्वेलो हुई लीफ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्जिड लीफ, या तो क्या कहेंगे हम? स्वेलो लीफ. यस, ये वाली लीफ है ना, अभी फूक गई है, स्वेलो हो गई है, तो इसे हम कहते हैं टर्जिड. व्हेन यू कीप द लीफ इन द कॉन्सेंट्रेशन इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लीफ हैज अ 70% एंड डिश कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली 30%. सो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस लो टू हाई फ्रॉम द डिश 20 ml वाटर विल एंटर इन टू द लीफ, जस्ट बिकॉज इन द डिश 20 ml was water and 10 gram was NaCl. So therefore, 20 ml from the dish will enter into the leaf as a definition of osmosis low to high. So 20 ml from dish will enter into the leaf. Leaf will increase in the size. This is called turgid leaf. It is also called as a swollen leaf. This process is called endosmosis. Endo means taking in. Osmosis is osmosis. Now, exosmosis is exactly vice versa. Exosmosis is a type of osmosis in which we have kept the low concentrated leaf in a high concentration solution in the dish. Therefore, this solution is called hypertonic solution. The concentration of a leaf is only 30, and this 30 is 10 gram NaCl and 20 ml is water. Now, in this leaf, in this 30%, 10 gram is NaCl and 20 ml is water. So what will happen? According to the osmosis, low to high concentration. So from the leaf, 20 ml will move outside. So leaf will have only 10% and outside concentration will turn into 90%. लेकिन outside तो dish में ना, dish में concentration कितना भी बढ़ जाए, dish को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा. लेकिन leaf जो 30% थी, अब उसमें से पानी बाहर की तरफ चला गया, जिसे इस वाली लीफ में पानी अंदर आ गया, तो ये 70 में से कितनी बन गई? 90 बन गई. और इस वाली लीफ में ऑलरेडी 30 ml पानी था, मतलब 30 ml कॉन्सेंट्रेशन था, तो 20 ml पानी बाहर चला गया. तो ये लीफ पहले इतनी थी, अब पानी बाहर चला गया तो उतनी नहीं रहेगी, ये क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी ये वाली लीफ 30% में से अभी 10% हो गई ना, तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी श्रिंक. और श्रिंक को बेसिकली हम बॉटनी में क्या कहते हैं? बॉटनी में हम कहते हैं फ्लैसिड. क्या कहते हैं? फ्लैसिड. तो ये था हमारा टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एकदम सिंपल सी चीज होती है. मैं आपको फिर से एक बार एक मिनट में समझा देता हूं. आई हैव अ टू प्लेट, राइट साइड प्लेट, लेफ्ट साइड प्लेट. इन द प्लेट
concentration of solution is a 30% and I have kept the leaf, concentration of leaf is 70%. In this dish, concentration in the dish is a 70% and concentration of leaf is 30%. Now here leaf has a 70 and dish has 30. So from the dish, 20 ml water will enter inside the leaf. In this, leaf has 30 and dish has 70. So 20 ml from the leaf will go into the dish. So in this, leaf is absorbing water inside. So leaf will become swallow. It is called turgid. But in this side, means exosmosis, leaf is throwing the water outside. And therefore leaf will get shrink. It is called flaccid. Yes, it is called flaccid. So simple logic is that in endosmosis water is coming inside, so leaf will swallow, it is called turgid, and in exosmosis water is going outside, so leaf will become shrink, it is called flaccid. So ye tha hamara osmosis. Isme humne ye bhi dekhe types of osmosis, endosmosis, exosmosis, etc. Thank you.